एवरीवन वेलकम बैक टू NIOS। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर। आई एम अंजलि मालविया योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। तो हम बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो इसमें हमने देखा था कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारा ये जो और भी स्पीशीज़ हैं जो हमारे साथ सर्वाइव करते हैं इस प्लानट में, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। तो वी नो दिस वेरी वेल कि हमारा ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये उसको मेंटेन करके चलते हैं भाई, है ना, और ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी है इकोनॉमिक बैलेंस के लिए, अंडरस्टूड। तो ये आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, जो चैप्टर का हमारा नाम है इनफैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, वी विल गोइंग टू स्टार्ट। और फिर हम देखेंगे किस तरह से ये जो हमारा पूरा प्लैनेट है इनफैक्ट इसमें जो हमारा हर एक स्पीशीज़ हैं, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स, तो ये डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए इनको हमने एक जगह पे रखा, ठीक है, एक जगह पे हमने कैटेगराइज किया, जिसकी वजह से जो स्टडी हो पाई वो इजी हो पाई। ओके, तो हम यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, टेक्सोनॉमी, ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसको अगर हम और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, हम इस अपने बायो की लैंग्वेज में बोले, सो हम उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी। तो ये टेक्सोनॉमी क्या है बेसिकली, इट्स अ टेक्निक ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्निक है, तरीका है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। तो ये टेक्सोनॉमी क्या है, ये तरीका है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है भाई। हाउ, लेट्स सी, द टेक्सोनॉमी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, टेक्सिस एंड योर नोमस, राइट। ये जो टेक्सोनॉमी है, तो टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, वेरस नोमोस का मतलब होता है मेथड। तो ये टेक्सोनॉमी क्या है, ये मेथड है अरेंजमेंट का, ठीक है, ये मेथड है अरेंजमेंट का। जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं, चलो स्कूल की बात करते हैं, तो हमें पता है कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है एक, जहाँ पे जो मैम है हमारी क्लास टीचर जो है इनफैक्ट वो क्या करती हैं, वो हर मॉर्निंग में वो अटेंडेंस लेती हैं, वो हर का नाम बोलती हैं, अनाउंस करती हैं, एंड यू हैव टू से प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, राइट, एब्सेंट, प्रेजेंट मैम एंड ऑल। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अरेंजमेंट है आपके नामों का, ये उसमें जो रजिस्टर है उसमें कैसे होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट, ए कम्स फर्स्ट देन बी देन सी, लाइक दैट वे। तो इस तरह से क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, एंड उसी तरह से आपको रोल नंबर मिलता है 1 2 3 4। तो ये जो अरेंजमेंट है ये किस लिए हुआ है, ताकि जो स्टडी है वो ईजी हो पाए भाई, ताकि कोई बच्चा रह ना जाए, छूटे ना, एंड उनका पूरा एक सिस्टमैटिक वे में सारे उनके जो नाम हैं वो वहाँ पे मेंशन हो जाए। ए कम्स फर्स्ट, तो ए वाला कंप्लीट, फिर बी, फिर सी, लाइक दैट पे। तो ये अरेंजमेंट हुआ है। एंड इसी तरह से अगर हम डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी में भी जो ए अल्फ़ाबेट है वो पहले आता है। सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट अ वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड, तो आप डिक्शनरी में चुटकियों में ढूंढ सकते हो। इनफैक्ट डिक्शनरी होती बड़ी सी है, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट। हाउ, यू हैव टू सी फर्स्ट लेटर कौन सा है उस वर्ड का, अच्छा बी है, सो आप बी पे गए, ठीक है, ए के बाद राइट आफ्टर ए बी कम्स, और बी के बाद आप देखोगे कि उसमें कौन सा, उस वर्ड में कौन सा लेटर है, अच्छा बी ई है, तो बी के बाद जो ई वाला है, बी के बाद इनफैक्ट ए चलेगा, बी चलेगा, सी चलेगा, ई चलेगा, लाइक दैट, डी ई, तो ई में आप पहुँचोगे, लाइक दैट वे। तो ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट इस तरह से है जिससे स्टडी जो है वो ईजी हो पाए, अंडरस्टूड। तो इसीलिए अरेंजमेंट है डिक्शनरी में आपके स्कूल रजिस्टर में। तो उसी तरह से हमारे जो टेक्सोनॉमी है ये भी यही करता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिज्म को। ये बेसिकली अरेंजमेंट का मेथड है। ओके, ये क्या है, अरेंजमेंट का मेथड है। देन द स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस, ओके, ये कैरोलस एक नाम है इनका, जिनको हम प्यार से इनफैक्ट बोलते हैं कार्ल लीनियस। ओके, ये नाम आपको कई बार आपको और सुनने को मिलेगा भी, आप जब आगे पढ़ोगे तो कार्ल लीनियस। ओके, सो ये एक बहुत बड़े इनका एक बहुत ज़्यादा योगदान है इस बायो की फील्ड में, बायोलॉजी में इनफैक्ट इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं ना जो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं इनफैक्ट हमारे इस हमारे स्टडी को बेटर बनाने के लिए, इनफैक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऑल तो उसी तरह से कुछ बायो में भी है जिनका नाम आप बार बार पढ़ सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ये वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी आ गए, बट हाँ ये आ गए यहाँ पे भी। इसी तरह से आपको और भी चीज़ों में इनके नाम सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मेंडल हो गए, डार्विन हो गए, ये सारे थोड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए ना ये आपको। सो बच्चे ये जो हैं इनको हम इनका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस, या फिर हम इनको प्यार से कार्ल लीनियस बोलते हैं। इनका एक्चुअली फुल नेम है कार्ल वॉन लीनियस। आप सोचोगे कि मैम आपने एक और वॉन बढ़ा दिया, बट इनका यही नाम ही है, क्या कर सकते हैं। तो कार्ल वॉन लीनियस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना कि जो कार्ल वॉन लीनियस हैं हमारे, ये ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब फादर क्यों है भाई, फादर वही जन्म देता है ना, वही जो है एक रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज ही इज़ मेल तो फादर हो गए ये, राइट। अगर फीमेल हो तो शायद मदर होते, मदर ऑफ टैक्सोनॉमी, साउंड्स इंटरेस्टिंग ना, बट येस ये हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने ही इन सारी चीज़ों को डेवलप किया है, इनके बारे में स्टडी किया है। ओके, ये ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने सोचा कि ये जो हमने एनिमल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर अरेंज करके रखेंगे तो स्टडी बेटर हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो येस, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड ही इज़ अ स्वीडिश बोटानिस्ट। देन ही हैज़ डेवलप द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है जो हम अभी पढ़ेंगे, इनफैक्ट अरेंजमेंट पढ़ेंगे है ना, तो ये इन्होंने ही दी हुई है। ठीक है, तो वेन एवर इट कम्स टू टैक्सोनॉमी, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ दिस टैक्सोनॉमी मीन, तो भाई हमें पता है कि ये अरेंजमेंट है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं अच्छे से। और साथ ही साथ बच्चे ये भी लिख देना है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थोड़ा सा इन्हांस कर देगा आंसर को। टीचर सोचेगा अच्छा बच्चे को काफ़ी आता है, नाइस, गुड, आई एम गोइंग टू गिव गुड मार्क्स, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान में रखना ये सारी चीज़ें। यस, तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली, ये कुछ इसी तरह का है। अब आप देखो ये जो एक ये जो मीटर है, इस तरह से ये जो ब्लॉक्स बने हैं, ये बड़ा छोटा, फिर छोटा उससे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। ओके, सो ये इस तरह से बने हुए हैं है ना। तो उसी तरह से इनका मतलब भी है, जैसे इनका जो जितना बड़ा ब्लॉक है उतना बड़ा उनका इम्पॉर्टेंस है, उतना बड़ा उनकी एरिया है। ठीक है, और जो सबसे कम है जैसे स्पीशीज़, तो उनकी एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। ओके, नाउ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अभी शायद नया है तो शायद आपको साउंड थोड़ा सा वियर्ड करेगा कि मैम हाउ टू रिमेंबर दिस, एक्चुअली टोटल 7 है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ना बच्चे, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इसी के बेसिस पे ही होता है। ओके, क्लासिफिकेशन ये यहीं से इनकी शुरुआत हुई है। तो आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें, बहुत ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी। एट दिस लेवल आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ओके, बस समझने के लिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू है ना, तो समझ लेना, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं अभी। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर थाउजेंड्स ऑफ नेम, बिकॉज अगर आप इफ़ यूल चूज़ बायो एंड योर हायर क्लासेस, तब आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। बट फॉर नाउ एट दिस लेवल यू डोंट हैव टू स्टडी मच। ओके, सो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है, ये सारा अरेंजमेंट। ठीक है, और लाइन से अरेंजमेंट लर्न करना, ऐसा नहीं स्किप कर दो, फैमिली यहाँ ला करके क्लास इसके जस्ट नीचे ले आओ, किंगडम इसके नीचे ले आओ, ऐसे नहीं है ना। ये प्रॉपर अरेंजमेंट में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो बच्चे इस चैप्टर में जो हमें मेजर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किंगडम के बारे में। दिस किंगडम, ये जो किंगडम है, अब बाय द नेम इटसेल्फ किंगडम, तो एक किंग साइज का तो इसमें क्या होगा कि जो सारे स्पीशीज़ हैं, सारे जितने डाइवर्सिटी है उनमें जो भी है जेनेटिक, उनमें जो चेंजेस आए हैं, बट वो अगर एक सिमिलर उसकी काइंड के हैं तो वो सारे किस में रखे जाएंगे, इस किंगडम में रखे जाएंगे। तो टोटल हमारे अगर हम बात करें मॉडर्न अरेंजमेंट की, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, तो टोटल हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। ओके, सो टोटल हमारे पास ये 5 किंगडम्स हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ये टोटल 5 हैं। R H विटिकर थे, उन्होंने दिया था 1969 में, यस 1969 में दिया था। देन इसी किंगडम के अंदर आता है फाइलम। बच्चे, फाइलम का मतलब कि वो किस फाइलम से, वो किस ग्रुप से ऐसे बिलोंग करते हैं, ऐसे समझो। फिर क्लास आता है कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर से वो बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस जीनस से बिलोंग करते हैं, किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लाइक दैट वे। ओके, सो ये जो है ये ऑर्डर है हमारा क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिज्म को। थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में समझने के लिए, बहुत ज़्यादा नाम नहीं याद करना है आपको इनमें, ठीक है। सो जैसे हम प्लांट की बात करें, सो प्लांट में भी यही चीज़ है कि वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुछ किस जीनस को, किस स्पीशीज़ को, किस फाइलम को, लाइक दैट वे। ओके, सो ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ओके, चलो, सो यस ये है आपके 7, ये टोटल 7 हैं, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये ना एक लाइन से आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। दैट्स हाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एट योर एज, जब मैं आपके क्लास में थी, इनफैक्ट आपकी एज में थी, तो ऐसे ही मैंने याद किया था बोल बोल के, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अब मेरे को रट गया ये सारी चीज़ें। ओके, सो यस किंगडम की बात करें, सो किंगडम इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्केल। यस, ये हाईएस्ट लेवल पे है भाई, हाईएस्ट लेवल पे है, इसलिए देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो कैरी किया हुआ है। ये ब्लू वाला, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है इनका, है ना, तो ये भाई किंग है, ये इसीलिए हाईएस्ट है। देन ऑल द लिविंग क्रीचर आर क्लास्ड एज पार्ट ऑफ द एनिमिलिया किंगडम। यस, तो इसी तरह से ये जो लिविंग क्रीचर हैं, जैसे आपके जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको हम इसमें एनिमल्स में रखते हैं, राइट। देन उससे लोअर जो रहेंगे, जैसे जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इनको हम लोअर कैटेगरी में रखेंगे। देन फाइलम, फाइलम आता है, फाइलम क्या है, ये इट स्प्लिट्स द एनिमल्स बाय मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, अब ये फाइलम क्या करता है, देखो सबको ही आ गया किंगडम में, जैसे एनिमल किंगडम की हम यहाँ आकर बात करें, सो यहाँ चलो एक एग्जाम्पल लिया सिर्फ एनिमल का, तो एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम की ही अगर हम बात करें तो इसमें भी जो फाइलम आता है नेक्स्ट, तो वो क्या करता है, उसको स्प्लिट करता है। जैसे हमें पता है कि कुछ होते हैं जैसे कि फिशेस, बर्ड्स, ये सब आते हैं आपकी वर्टिब्रे में, और कुछ आते हैं कॉर्डेटा में। तो अभी हम नेक्स्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझो कि किंगडम जो है वो उसमें सारा मेजॉरिटी आ गई, सारे सब कुछ उसमें आगे घुस गए। देन जो फाइलम है उसमें क्या होता है, फर्दर स्प्लिट होता है कि कौन सा थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। देन क्लास आता है, तो क्लास क्या करता है, डिस्टिंग्विशेस फर्दर, ये आगे और डिस्टिंग्विश करता है। जैसे फिशेस जो हैं वो डिवाइडेड हैं, कोई बोनी फिश होती है, कोई कार्टिलेजियस फिश होती है। कार्टिलेजियस का मतलब उनका जो है सॉफ्ट रहता है, इतना बोन जो है वो नहीं रहता। सो दिस ऑल्सो कुछ बोनी है, कुछ ये है, तो ये फर्दर डिवाइडेड हो गए किसमें, क्लास में। देन ऑर्डर की बात करें, सो फिजिकल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बेसिस पे जो ऑर्डर है वो डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। देन फैमिली की बात करें, सो फैमिली फॉलोज ऑन फ्रॉम ऑर्डर बाय प्लेसिंग इनटू ग्रुप बाय फर्दर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यस, तो फैमिली क्या करता है, ये ऑर्डर को ही फॉलो करता है। अगेन ऑर्डर के जस्ट नीचे आता है कि कौन से उसमें वो है, जैसे देखो कोल फिश, पोल लॉक एंड all these things, these are from Gaddaci family, whereas share features such as having 3 dorsal fin। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो पार्ट्स हैं उनको शेयर करती हैं, जैसे फिन्स जो होते हैं उनमें 3 डॉर्सल हैं, सो दैट इज़ वाई ये एक फैमिली के हो गए, और जिनमें 2 है या जिनमें 4 हैं तो वो दूसरी फैमिली के हो गए भाई, अंडरस्टूड। फिर जीनस, जीनस का मतलब जीनस इज फॉर द फाइनल ब्रेकडाउन। फॉर एग्जाम्पल द गॉड्स हैव द गेडस जीनस, जिनमें जीन प्रेजेंट होती है बेसिकली, राइट। जीनस जो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगेन वो जीन में स्प्लिट हो जाएंगे। देन स्पेशीज, स्पेशीज इज द फाइनल स्टेप, ये लास्ट स्टेप है सबसे नीचे वाली। एंड पिन पॉइंट्स द एग्जैक्ट क्रीचर्स, फॉर एग्जाम्पल एटलांटिक कॉर्ड्स स्पेशीज नेम द ग्रैडस मॉरहुआ। तो इस तरह से स्पीशीज़ का हमने नाम दिया है। जैसे होमोसेपियंस, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, होमोसेपियंस, सो ये भी एक स्पीशीज़ है हमारे ह्यूमन की, राइट। ह्यूमन होमोसेपियंस, लाइक दैट वी हैव नॉमेनक्लेचर इट। तो ये लेवल है, यू डोंट हैव टू जस्ट अभी आपको इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो लेवल है बेसिकली ये किस तरह से एक जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो लेवल है वो किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले किंगडम आता है, फिर उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंडर फाइलम आता है, फिर फाइलम के अंडर आता है क्लास, क्लास के अंडर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, एंड लास्ट में स्पीशीज़। तो ये हायर हो गया, ये वाला जो किंगडम है ये हायर हो गया, एंड लोअर कौन हो गया, लोएस्ट दिस स्पीशीज़, ठीक है। सो यस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। सो जैसे अगर हम इसमें बात करें, सो किंगडम में एनिमल्स, जैसे किंगडम प्लांट किंगडम, एनिमल, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा, फंजाई, सो ये सारे किंगडम हैं, ओके। सो ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव टू ऑन देयर ओन, जैसे हम एनिमल्स के सिर्फ अगर यहाँ पे लें एनिमल किंगडम के बारे में, सो एनिमल क्या है, उनमें एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं कहीं भी, उनका जहाँ मन चाहे भाई वो मूव कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स। बट जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, राइट। प्लांट्स ऐसा नहीं है ना कि रात में आपने यहाँ पर रखा, यहाँ प्लेस किया और मॉर्निंग में आप देखोगे कि वो चल करके सामने चले गए, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। पड़ोस के घर में वो नहीं जाएंगे, वो जहाँ है वहीं रहेंगे। बट एनिमल्स अगर आप उनको बांध के नहीं रखोगे वो कहीं भी चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना। तो इसी तरह से एनिमल किंगडम जो है ये समझ गए आप कि उनमें एबिलिटी होती है मूव करने की। देन फाइलम की बात करें तो ये है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जो एनिमल जिनमें क्या होता है, बैकबोन होता है, ओके। बैकबोन क्या होता है हम सबको पता है, जिसकी वजह से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम खड़े हैं, हम चलते हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ द बैकबोन। एंड जो बैकबोन इंजरी होती है वो भी काफ़ी हार्मफुल होती है, राइट। सो जो कॉर्डेट, बैकबोन। देन क्लास में क्या, मैमल्स, जैसे मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, ओके। मिल्क ग्लैंड्स और हेयर, जैसे फर वाले हेयर, फर होता है या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर और मिल्क ग्लैंड होता है, ओके। देन ऑर्डर, ऑर्डर प्राइमेट्स, मतलब जो मैमल्स, अगेन से। और यहाँ पे हम किंगडम में आए, किंगडम एनिमल की बात की, फिर हमने उसमें फाइलम कॉर्डेट की बात की, फिर उसमें हमने क्लास मैमल की बात की, मैमिलिया, ओके। एंड देन हमने ऑर्डर प्राइमेट्स की बात की। तो ऐसे मैमल्स जिनमें कॉलर बोन हो, ओके, एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स हो, फिंगर, राइट। देन फैमिली की बात करें तो होमिनिड्स, फैमिली की बात करें होमिनिड्स, ओके, यस, होमिनिड्स। प्राइमेट्स विद रिलेटिव फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन, यस। सो ये हो गया उनकी फैमिली। देन जीनस की बात करें तो होमो, होमो, तो होमिनिड्स विद अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन, तो इनको बोलते हैं होमो। फिर स्पीशीज़ में होमोसेपियंस, यस, जो अभी मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया था, होमोसेपियंस। दीज आर मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विद अ हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको डिफाइन किया है, इस तरह से जो टेक्सोनॉमी है क्लासिफाई किया है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये ऑर्डर है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यस। नाउ अगर हम ह्यूमन और ऑस्ट्रिच, बेसिकली ये क्या है आपका, ह्यूमन बींग्स हैं और ये ऑस्ट्रिच है। अब हम अगर बात कर रहे हैं इतनी सारे कि किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, तो भाई हम ह्यूमंस की बात भी करेंगे। ज़रूरी है कि हम अपने बारे में भी थोड़ा पढ़ लें, क्यों हम सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ें, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने बारे में पढ़ें ना। तो चलो हम अपने बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अगर हम अगेन वो सेम ऑर्डर है ना, तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो हम क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, यूकैरिया डोमेन ऑफ लाइफ बेसिकली, कि यू नो उनका जो सेल है वो कैसा है, जो सेल ऑर्गेनल है वो फुली डेवलप है, हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास यू नो सेल वॉल, आई मीन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास सब कुछ है ना, हमारे पास पूरा एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ वाई हम ह्यूमंस हैं। तो इसमें अगर हम किंगडम की बात करें तो हम ये एनिमेलिया किंगडम जो है उसमें आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, क्लास मैमेलिया में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स, देन फैमिली, हमारा जो फैमिली किसमें हम आते हैं, होमिनिडी में आते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि चाहे हम जिस भी कास्ट से बिलोंग करें, चाहे हम किस भी रिलीजन से यू नो बिलोंग करें, चाहे हम कोई भी नेशन से बिलोंग करें, हम देखा जाए तो हम एक फैमिली ही हैं, राइट? तो हम वी ऑल आर वन, लाइक दैट वी कैन से, है ना, चाहे जितनी डाइवर्सिटी हो बट हम एक फैमिली ही हैं भाई। अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो हम एक फैमिली हैं, सब कोई एक ही जैसा है, दो आँख, एक नाक, एक मुँह, राइट? देन जीनस की बात करें तो हम होमो जीनस में आते हैं एंड स्पीशीज़ में सेपियंस, राइट? बट अगर हम बात करें कि ये जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में हो गया, बट और जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट होता है, सब कोई सेम नहीं होता, हर कोई सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता, है ना? तो इसमें इसी तरह से ये जो है ये डिफरेंट है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, एक्चुअली दिस आई हैव जस्ट पुट सो दैट आप देख सको कि डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि एक यू नो इनका जो है सेम वही सेम दूसरे का भी होगा। ओके, अंडरस्टूड? सो यस चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू, ठीक है? क्योंकि अब हम ये क्या था, बेस था हमारा क्लासिफिकेशन का, अभी हमें जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सो ये बेसिकली क्या था, बेस था, इसी के आगे हमें स्टडी करना है। सो मेक श्योर टू रीड योर बुक रेगुलरली, ऑल राइट? सो यस, टिल देन जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, स्टडी वेल, थैंक यू।